बहुपद के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे बहुपद क्या है। इस पे बहुपद देखो, ऑब्जेक्टिव के लिए जितना जरूरी होता है उतना हम बता देते हैं, यही थ्योरी क्या होता है, दो नंबर में भी काम कर जाएगा और पांच नंबर में भी काम कर जाएगा। अभी जो थ्योरी है बस ऐसे समझ के रखो कि ये ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा है। तो सबसे पहले आ जाता है कि बहुपद की पहचान आ जाती है, बहुपद की पहचान आ जाएगी तो बोलेगा कि ये कौन सा बहुपद है। तो बहुपद की पहचान में दो चीज याद रखना, पहले जो व्यापक रूप हम बताए थे ए एन एक्स के पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू इंटू एक्स के पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए जीरो, ये क्या हो जाता था, व्यापक रूप, जिसमें एक्स जो है एक्स एन और एक्स एन माइनस वन एक्स एन माइनस टू, ये जो संख्या चलते रहता है इसको हम क्या बोल देते थे, चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर राशि। चर राशि क्या होता है, वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। अब देखो चर राशि हो गया जिसका मान बदलते रहता है, तो इस बहुपद के लिए कंडीशन क्या रहेगा, याद रखना एक्स के पावर में जो एन है, एक्स के पावर में जो एन है ये एन पूर्ण संख्या होना चाहिए, एन क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। इसका खास कर ध्यान रखना, एन का ध्यान रखना, एन पूर्ण संख्या, तब पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या का मतलब हो गया x का घात जो होना चाहिए, ये जो घात ऊपर वाले को बोलते हैं घात, जैसे x के पावर में n लिखा हुआ है, नीचे वाले को बोलते हैं आधार, नीचे वाले को क्या बोलते हैं आधार, और ऊपर जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं घात, इसको क्या बोलते हैं घात बोलते हैं, ध्यान रखना। और उसके बाद क्या, n जो है n पूर्ण संख्या, तो n बराबर तो जीरो से शुरू होगा, वन टू पूर्ण संख्या यही होता है ना, प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने से प्राप्त संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो ये डॉट 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 करके कितना तक चल गया, इनफिनिटी। इसके अलावा कुछ भी संख्या अगर n के बराबर में हो रहा है, यानी कि अगर n का मान ऐसे हो जाए, ऐसे सोचो अगर n का मान इस प्रकार से हो जाए, अगर n का मान सोच लो इस प्रकार से ले, x के पावर में एक बटे दो हो जाए, x के पावर में क्या हो जाए, एक बटे दो, तो एक बटे दो बताओ क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा क्या, ये दूसरा x के पावर में माइनस दो दे दे, x के पावर में दो, तो ये क्या बहुपद होगा, नहीं होगा। इसको काटो, अगर ये मान लो x रूट के अंदर में दे दिए, x रूट के अंदर में दे दिया, ये बहुपद होगा। अगर पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा है ये भी बहुपद नहीं होगा। अगर तीसरा चौथा चीज x बटे में दे दे, x किस में दे दे, बटे में दे दे, तब भी ये बहुपद नहीं होगा। तो x पे हम खास ध्यान रखते हैं, कहाँ पे ध्यान रखते हैं, x पे हम इस चीज का खास ध्यान रखते हैं कि पावर जो है, पावर क्या होना चाहिए, पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए, पावर में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। इस चीज का हम खास ध्यान रखेंगे, क्या पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो बहुपद के पहचान में याद रखना, जैसे कि बहुपद में दे देता है, जैसे तुमको दे देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट एक्स प्लस सिक्स, तुमको रूट के अंदर x आ गया, बोलेगा कि ये बहुपद है कि नहीं है, सीधा बोल देना बहुपद नहीं है, देख लिए। उसके बाद बताओ x स्क्वायर प्लस x के पावर माइनस वन प्लस सिक्स, ये बहुपद हो गया, x के पावर में क्या है, माइनस है, ये बहुपद नहीं होगा। तीसरा नंबर में अगर इस प्रकार से दे देगा तो वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सिक्स, ये बट्टे में पूरा आ गया, बट्टे में आ गया, बहुपद नहीं हो जाएगा। ये क्लियर है, अगर तुमको ये इस टाइप से दिया हुआ रहेगा, जैसे कभी कभी पूछ देता है, अच्छा बताइए छह जो है बहुपद होगा कि नहीं होगा, छह पूछ दिया बहुपद होगा या नहीं होगा, हाँ होगा, क्योंकि x के पावर में जीरो है, x के पावर में क्या है, जीरो लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के पावर में जीरो लिखते हैं कितना हो जाता है, किसी भी संख्या के पावर में जीरो रखते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है, एक हो जाता है। अगर कोई पूछ देगा कि इसको प्रूफ करके दिखाओ, कैसे करके दिखाओगे, कैसे सर भाई बता दीजिए,
प्रूफ करके दिखाओ कि किसी भी संख्या के पावर में जीरो रखते हैं तो मान कितना हो जाता है, एक हो जाता है, तो कैसे हो जाता है। तो देखो किसी संख्या के पावर में तुम मान के चलो तुम पढ़े हो ए पर पावर जीरो बराबर कितना हो जाता है, एक हो जाता है। इसको हम LHS बोल सकते हैं, इसको हम RHS बोल सकते हैं। अच्छा बताओ ए के पावर में जीरो लिखा हुआ है, अच्छा तुम लोग जानते हो दो में से दो घटेगा कितना होगा, जीरो। तीन में से तीन घटेगा तो जीरो, चार में से चार घटेगा तो जीरो, अच्छा एम में से एम घटेगा तो जीरो। समझ में आया? अब देखो हम ये जो जीरो लिखा हुआ है इसका मतलब जो RHS में है और जो LHS में है, तो जीरो के बदले हम एम में से एम लिख सकते हैं। तो तुम्हारे इसके अनुसार तो हम जीरो को एम में से एम घटा देंगे, बात तो बराबर रहेगा, जीरो ही हो जाएगा। अच्छा तुम सिक्स क्लास में पढ़े होगे, सिक्स क्लास में क्या थ्योरी पढ़ते हो, ए पर पावर एम अभागा ए पर पावर एन रहता है, तो इसको तुम लिख लेते हो अगर आधार समान है दोनों का तो तुम लिखते क्या हो, ए पर पावर एम माइनस एन, एम माइनस एन। तो जो ये लिखा हुआ है इसी का उल्टा ये है, इसी का उल्टा ये है, दोनों दोनों के बदल में लिख सकते हो। तो ए पर पावर एम माइनस एन है तो उल्टा में हम ये भी तो लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये माइनस में है तो हम इसको ऐसे भाग में लिख सकते हैं, ए पर पावर एम भागा ए पर पावर एम, इस प्रकार से लिख सकते हैं। भाग में है तो भाग को गुना में बदलते हैं, तुम ही बताओ क्या करते हैं, ए पर पावर एम गुना ये LHS वाला मतलब नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे, ए पर पावर एम। अब बताओ ये दोनों कट गया, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, यहाँ कितना ना गया एक, RHS में कितना है तो याद रखना, अब मत बोल देना ए पर किसी भी संख्या के पावर में जीरो होता है तो उसका मान जीरो भी हो जाता है, मगर मन कितना होता है, एक होता है, एक होता है। तो बहुपद पहचान के लिए समझ गया, ये बहुपद तीनों बहुपद नहीं है, ये तीनों क्या है, बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद है। पूछ देगा कौन सा बहुपद है, तो शून्य घात वाले बहुपद, कौन से घात वाले बहुपद, देखो घात बहुपद को दो आधार पे बांटा गया, एक पद के आधार पे एक घात के आधार पे। ये जो प्लस के चिन्ह से पहले जितना है, प्लस चिन्ह के बाद जितना, फिर प्लस से पहले जितना, इस सब को बोल देते हैं पद, इसको क्या बोल देते हैं पद, इसको क्या बोल देंगे। जैसे देखो एक पद दो पद तीन पद तो त्रिपदी हो गया, कितने पद हो गया, तो दो। देखो घात के आधार पे पद के आधार पे बहुपद को बांटा गया, एक पद जिसमें रहेगा तो उसमें बोलेंगे एक पद ही, जिसमें दो पद रहेगा तो उसको बोलेंगे द्विपदी, जिसमें तीन पद रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे त्रिपदी, चार पद रहेगा तो चतुर्थपदी, पांच पद जितने पद रहेंगे उसको उतने पद वाले बहुपद बोलेंगे। घात के आधार पे बांटा गया, घात जितना घात रहेगा, x का घात 3 रहेगा, x का घात 2 रहेगा, मैक्सिमम घात देखेंगे बहुपद वाले का, जो अधिक से अधिक घात देखेंगे, अधिक से अधिक घात देखेंगे। अगर अधिकतम घात 3 है तो त्रिघातीय बहुपद, अधिकतम घात 2 है तो द्विघातीय बहुपद, अधिकतम घात 1 है तो इसको एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद बोलते हैं, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। अगर शून्य घात है तो इसको क्या बोल देते हैं, शून्य घात वाले बहुपद, शून्य घात वाले बहुपद। ये हो गया तुम्हारा थ्योरी, हो गया ये क्या हो गया, थ्योरी हो गया। अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और एक नंबर में जो रहता है उसके बारे में रोक ले। अब देखो बहुपद में जो हम व्यापक रूप बताए थे, यहाँ देखो प्रीवियस में फर्स्ट वाला पेज में देखो तो जो ये आया है जिसमें कि ए एन है, ए एन माइनस वन है, ए एन माइनस टू है, तो ये सब क्या हो जाता है बहुपद में, याद रखना ये सब हो जाता है वास्तविक संख्या, ए एन और ए एन माइनस वन और ए एन माइनस टू डॉट 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 करके ए जीरो, ये सब हो जाता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या हो जाता है। कहने का मतलब वास्तविक संख्या दो हो जाता है, एक को बोल देते हैं परिमेय संख्या, एक को बोल देते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या हो गया, जो संख्या p by q के रूप में, यानी कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कर देते हैं, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या p by q के रूप में लिखा जाए और p q क्या हो, p तथा q क्या हो, पूर्णांक संख्या हो, क्या हो, पूर्णांक संख्या हो। अब देखो q does not equal to zero हो जाए, और क्यों जीरो नहीं होता है इसके लिए एक क्लास वाला वीडियो बनाया है, उसमें देख लेना।
अपरिमेय संख्या क्या हो जाए जो पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, ये पूर्णांक ना हो, जैसे रूट थ्री, रूट टू, रूट फाइव, रूट सिक्स, ये सब क्या हो जाते हैं अपरिमेय संख्या। यानी कि ए एन जो है चाहे परिमेय चाहे अपरिमेय हो तब भी ये बहुपद होगा, तब भी ये क्या होगा बहुपद होगा, इस चीज को ध्यान में रखना। उसके बाद बहुपद में हम एक पद वाले बहुपद, दुई पद वाले बहुपद ऐसे नॉर्मली नहीं पूछता है, ज्यादातर हम क्या देखते हैं सबसे पहले द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद सबसे पहले हम क्या देखेंगे द्विघात बहुपद के बारे में देखेंगे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखेंगे। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद का द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। क्या होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। अब देखो यहाँ कितना घात है, यहाँ कितना घात है, दो घात है, दो घात है, तो इस बहुपद का शून्यक निकलेगा। शून्यक क्या होता है, देखो बहुपद का शून्यक क्या होता है, शून्यक होता है x का वैसा मान, x का वैसा मान जिसका कि हम इसमें इस बहुपद में रखने पे इस पूरे को शून्य के बराबर कर दे, क्या कर दे शून्य के बराबर कर देगा, तो हम इसको क्या कहेंगे बहुपद का शून्यक कहेंगे। x का उस मान को हम क्या कहेंगे बहुपद का शून्यक, x का वह मान जो बहुपद को क्या कर दे शून्य के बराबर कर दे, तो x के ऐसे मान को बहुपद का क्या कहेंगे शून्य। अब किस बहुपद का कितना शून्यक होगा, जैसे ये डिसाइड कौन करेगा, x का जितना घात रहेगा, x का जितना घात रहेगा ये वाला बताएगा कि इस बहुपद का शून्यक कितने होंगे। जैसे ये इसका घात देखो कितना है, दो घात है, तो इस बहुपद का शून्यक कितने होंगे, दो शून्यक होंगे, कितने शून्यक होंगे दो शून्यक होंगे। हम मान लेते हैं इस बहुपद का शून्यक एक अल्फा है, दूसरा क्या है बीटा है, अल्फा है दूसरा क्या है बीटा है। तो कभी कभी ऐसा रहता है शून्यकों का योग, ये याद रखना शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बटा ए। अब रहता है शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए हो जाता है, सी बाय ए हो जाता है, ये क्या हो जाता है शून्यकों का गुणनफल, ये क्या हो जाता है शून्यकों का योगफल हो जाता है। अब कई बार क्या करता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ये बोलेगा निकालने के लिए शून्यकों का योग निकाले, शून्यकों का गुणनफल निकाले, कई बार यहाँ पे क्वेश्चन क्या करेगा तुमको यहाँ पे शून्यक दे देगा, अल्फा और बीटा शून्यक दे देगा, बोलेगा बहुपद निकालिए, क्या निकालिए बहुपद निकालिए। इसके लिए क्या सूत्र याद रखना, देखो सूत्र क्या रहेगा, जब दो बहुपद का शून्यक मान लो कि एगो का अल्फा हो गया एगो का बीटा हो गया, तो ये प्लस अल्फा है प्लस बीटा है, तो तुम खुद ध्यान करो कि इसका जब गुणनखंड करते थे तो इसका मान लो कि जो शून्य आएगा क्या आएगा x माइनस अल्फा आया होगा, तब ना जीरो के बराबर किए होंगे, इधर भी गए होंगे, तो अल्फा x का मान जो है अल्फा आया होगा प्लस में आया है, तो इसका मान तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x माइनस अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस बीटा। तो इन दोनों को अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, देखो तो इसको इससे गुणा किए तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसको इससे गुणा किए तो माइनस एक्स बीटा हो गया, फिर इसको इससे गुणा किए तो माइनस अल्फा एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब तुम देखो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिए, एक्स एक्स कॉमन है, इन दोनों में एक्स एक्स कॉमन है तो एक्स ले लिए, तो अल्फा को पहले लिख लेते हैं और बीटा को बाद में लिख लेते हैं, तो जो ये माइनस में है तो दोनों किस में चल गया प्लस में चल गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर इसको लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो गया बहुपद के बहुपद निकालेंगे। अगर शून्य दिया हुआ रहेगा और बहुपद कहेगा निकालने के लिए तो आराम से निकाल लेते हैं, क्या सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये किसके लिए हम चर्चा किए, द्विघात बहुपद के लिए, किसके लिए चर्चा किए हैं द्विघात बहुपद।
के लिए चर्चा किए हैं। अब इसी प्रकार से आ जाता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में क्या हो जाता है, इसका व्यापक रूप देखो तो त्रिघात यानी कि x के पावर 3, 2, 1, 0 ऐसे हो गया। तो जैसे जैसे उसमें द्विघात बहुपद में अल्फा और बीटा दो शून्यक होते थे, ठीक उसी प्रकार से इसमें कितने शून्यक होंगे, तीन शून्यक होगा, अल्फा बीटा और गामा कितने शून्यक होंगे, तीन शून्यक होंगे। तो हम तीन इसमें क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग, इसमें क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, जैसे उसमें होता था माइनस बी बाय ए, इसमें भी हो जाएगा माइनस बी बाय, इसमें रहता अब शून्यकों के गुणनफलों का योग, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग बराबर क्या हो जाएगा। तो तीन तुम इस टर्म से याद कर लेना, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। जिस प्रकार से हम घनाभ वाला में घनाभ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने के लिए बताए थे कि दो को दोस्त होता है, ये दोनों दोस्त होता है, दोनों में दोस्ती है, तो ये दोनों को क्या लिख सकता है, अल्फा इंटू बीटा, झगड़ा हो गया तो अलग हो जाएगा, ये दोनों साथ हो जाएगा प्लस बीटा इंटू, फिर भी दोनों में झगड़ा हुआ तो इसको छोड़ देगा, इसके साथ आ जाएगा गामा इंटू अल्फा बराबर, याद रखना गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाय ए हो जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल इसमें क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, तो याद रखना माइनस बी बाय ए, याद रखना माइनस प्लस माइनस। तुम देखो पहला टर्म्स, देखो क्वेश्चन याद करने का तरीका, पहला टर्म्स वाला एक्स क्यूब वाला में ए आ रहा है, सौ के नीचे में ए आया, सौ के नीचे में क्या आया, क्रम याद रखना, ए के बाद क्या आता है बी, इसके ऊपर बी, बी आए के बाद क्या आता है सी, अगला ऊपर सी, वो के बाद क्या आता है डी, अगला ऊपर डी, नहीं याद हो गया रे, कलम याद रखना, तीनों फॉर्मूला याद हो गया। अब इसमें तो तुमको बहुपद दिया हुआ था, त्रिघात बहुपद दिया हुआ था, ये सब निकालने के लिए कहता था, कभी क्या करेगा त्रिघात बहुपद का शून्यक दे देगा, अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों तुमको दे दिया, ये तीनों दे दिया, बोलेगा बहुपद निकालिए, त्रिघात बहुपद निकालिए। इसके लिए जो सूत्र होता है, देखो तुम सूत्र निकालने के लिए करेगा तो इसको कर लेना, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा, ये तीनों को आपस में गुणा कर देना, फॉर्मूला निकल जाएगा। इसको सबसे देखो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, त्रिघात बहुपद तो x क्यूब, त्रिघात में तीन घात होगा, उसके बाद माइनस पहला टर्म्स क्या आ जाएगा माइनस, ये जो तीनों लिखा हुआ है क्या दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आइए किसके साथ आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ आएगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। इसके बाद याद रखना एक अल्टरनेट होगा, एक प्लस होगा तो दूसरे बार माइनस होगा, यानी कि यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर यहाँ क्या चल जाएगा प्लस, प्लस क्या चल जाएगा दूसरा वाला, ये टर्म याद रखो, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा, यह इसका टर्म्स है एक्स प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, सॉरी यहाँ एक माइनस यहाँ प्लस आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया थ्योरी वाला पार्ट हो गया, क्या हो गया थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया। अब यहाँ से चलते हैं हम क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, 80 क्वेश्चन है इसमें से ज्यादा, ठीक है वो क्वेश्चन है। देखो पहला क्या है इस क्वेश्चन में, पहला जो लिखा हुआ है देखो पहला वाला क्या है, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है, रैखिक बहुपद कहने का मतलब x का घात एक है, x का घात कितना है एक। x का घात अगर एक रहेगा, हम बोले थे जितना घात उतने शून्य, जितना घात उतने शून्य, अच्छा बताओ एक घात तो कितने शून्य, कितने शून्य होंगे एक शून्य होंगे, कहने का मतलब एक कहां ऑप्शन में, यहां बी नंबर ऑप्शन में है, समझ में आया कि नहीं है। दूसरा चीज देखो ये बहुपद दिया हुआ है, शून्यकों का योग ज्ञात करें, देखो कहते हैं इजी वाला क्वेश्चन है रे,
देखो इसमें तुम सोचो द्विघात बहुपद का सबसे पहले व्यापक रूप सोचो क्या लिखे है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यही द्विघात बहुपद का शून्य लिखे थे यही वाला लिखे थे उन्होंने। अब देखो यहाँ तुलना करो दोनों में तुलना करके लिखो यहाँ x स्क्वायर है यहाँ भी x स्क्वायर है तो यहाँ x स्क्वायर के बगल में की है रे एक तो a बराबर यहाँ x स्क्वायर के बगल में की है छः यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा छः यहाँ x के बगल में क्या है b यहाँ x के बगल में क्या है माइनस ग्यारह तो माइनस ग्यारह और c के बराबर भी क्या यहाँ c है यहाँ c है तो यहाँ c बराबर क्या हो जाएगा c बराबर कितना हो जाएगा। अब शून्यकों का योग बताइए तो अब हम बार बार इस टाइप से लिख के नहीं बताएंगे एक में बता दिए आगे बढ़ते रहेंगे। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। अब बी का मान कितना है माइनस ग्यारह एगो तो फार्मूला का माइनस एगो किसका माइनस एगो फार्मूला का माइनस हो गया फार्मूला का माइनस एक दूसरा क्या हो गया माइनस ए का माइनस ग्यारह ए का मान कितना देर है छः तो दोस्तर बताओ माइनस माइनस प्लस ग्यारह बटे छः तनी को गलती अगर देखो छः बटे ग्यारह तनी को दिमाग इन्हें उन्हें गया तो छः बटे ग्यारह में मार देना एक नंबर चल जाएगा और तुम सोचेगा एक नंबर में गया ऐसा अखा तो नंबर कर करके कत्ते नंबर चल जाएगा तुमको भी नहीं पता चलेगा ठीक है। ई वाला नहीं होगा एक बटे दो तो सरपटे गलत यो सरपट गलत ग्यारह बटे छः यही है रे ग्यारह बटे छः अब तभी को माइनस प्लस में गलती किया थोड़ा लगा अच्छा माइनस ग्यारह बटे छः कर दो मार दो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए देख रहा तैयार रखा जैसे कि तुम्हारा दिमाग इन्हें उन्हें जाए तो गलती में मार दे समझ गया। उसके बाद देखो तीसरा बहुपद दिया हुआ बहुपद एक्स गुणनखंड एक बहुपद का गुणनखंड इतना है तो बहुपद पी ऑफ एक्स का शून्यक होगा शून्यक होगा इसको मिटा दे रेज कर देते हैं एक बार थोड़ा ऊपर कर लें। देखो क्या कहता है बहुपद दिया हुआ है क्या दिया हुआ है बहुपद हाँ देखो बहुपद दिया हुआ है यहाँ बहुपद का गुणनखंड दे दिया बहुपद का क्या दिया है आप बोल रहा है कि इसका शून्यक तो शून्यक के लिए जो गुणनखंड आता है ना उसको जीरो के बराबर कर देते हैं शून्यक के लिए क्या करते हैं जीरो के गुणनखंड को शून्यक के शून्य के बराबर कर देते हैं गुणनखंड को शून्य के बराबर कर दिए तो एक्स ई बराबर इधर गया तो माइनस यही तो इसका शून्यक हो गया इसको मान रखेंगे उस बहुपद में उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देगा तो माइनस वन कहाँ है ये वाला नहीं है ये नंबर में मार दो। उसके बाद क्या कहता है अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए तो तुम अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या जानते हो माइनस बी बटे ए जानते हो माइनस बी के जगह क्या है माइनस थ्री तो माइनस थ्री बटे ए के जगह यहाँ नहीं कुछ है तो एक है नहीं कुछ है तो क्या है एक है तो माइनस माइनस प्लस थ्री यानी कि माइनस माइनस ये पहला नंबर क्या हो जाएगा पहला नंबर। ऐसी तरह से स्पीड बनाना है तुमको तो ये शून्य पूछ दिया इसमें तो पेन भी नहीं उठाना है सीधे मालूम ये दिया हुआ है एक शून्यक है पूछ रहा है कि ये बहुपद दिया हुआ है कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक बहुपद इसका शून्यक है तुम पहले सोचो जीरो कोई भी मान यहाँ पे रख दो जो जीरो को इसके मान को जीरो कर दे तो वही इसका शून्यक होगा जो जीरो नहीं करेगा वो शून्यक नहीं होगा जीरो इसका मान रखो यहाँ इसको जीरो जीरो इसमें गुणा करेंगे जीरो जीरो इसमें गुना करेंगे तो जीरो पांच तो बच जाता है ना इसका मतलब ये शून्यक नहीं है। एक रख के देखो एक यहाँ रखेंगे एक का स्क्वायर एक हो गया दो गुना एक दो यहाँ एक रखेंगे तीन गुना एक तीन तो दो में से एक जगह मतलब माइनस एक बच जाएगा माइनस एक माइनस पांच में जोड़ देंगे तो माइनस छह हो जाएगा ये भी इसका शून्यक नहीं हुआ हटाओ इसको माइनस वन इसमें करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस एक का स्क्वायर एक दो गुना एक दो फिर यहाँ माइनस एक रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तीन गुना एक तीन तीन दो ये प्लस में पांच चल गया ये माइनस में पांच है तो देखो प्लस और माइनस घट के जीरो ना हो गया तो कौन सा मान माइनस वन जीरो के बराबर ला दिया यही तो इसका शून्य हो गया यही क्या हो गया इसका समझ में आया कि नहीं आया क्लियर है आगे बढ़े आगे बढ़ जाते हैं फटाफट पांच
छह नंबर में देखो, छह नंबर में कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्य का है। देखो जो बताए थे फॉर्मूला बताए थे, ये बता किसी द्विघात बहुपद के शून्य ये दे दिया है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद के शून्य यानी कि अल्फा बराबर बोले थे कि वो दे देगा पांच दे दिया, और बीटा बराबर कितना दिया है माइनस तीन दे दिया है। तो इस प्रकार बहुपद ज्ञात करें, तो बहुपद के लिए हम फॉर्मूला बोले थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही बोले थे ना। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है पांच, बीटा का मान प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस तीन एक्स प्लस, अब बताओ क्या हो जाएगा अल्फा, अल्फा का मान कितना है पांच गुना माइनस तीन, अब बोलो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस पांच में से तीन गया तो दो, और दो यहाँ गुना हो जाएगा दो एक्स, यहाँ प्लस गुना माइनस माइनस पांच दिया पंद्रह, ये वाला देखो ऑप्शन में कहीं है ए नंबर ऑप्शन में नहीं है, कहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कहाँ है ये बता देखो, इसमें देखो एक प्लस दे दिया ये नहीं होगा, इसमें माइनस है इसमें प्लस दे दिया ये वाला नहीं होगा, सी नंबर ऑप्शन मिल रहा है, फटाक से मारो आगे बढ़ो। पी एक्स बराबर क्यू एक्स और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स का घात कितना देर है छह देर है। अब देखो यहाँ पी ऑफ एक्स अकरा में कोई संख्या एक्स का घात छह है, अकरा में एक्स का घात कितना है छह है, और जी ऑफ एक्स का घात दिया हुआ है यानी कि अपर घात दिया है, एक्स का घात दो दिया है, एक्स का घात कितना दिया है हाँ, तो पूछ रहा है क्यू ऑफ एक्स का घात कितना होगा, तो भैया इसको इधर ले आओ यहाँ ले आएंगे एक्स का घात दो है, ऊपर में लेके जाएगा भागा कट जाएगा, तो ये भाग में रहता है क्या होता है, जैसे कि तुम पढ़ा होगा ए पर पावर एम भागा ए पर पावर एन, तो करते हैं ए पर पावर एम माइनस एन करते हैं, यदि कि ऊपर वाला में से ऊपर में से नीचे वाले को घटा देते हैं, यदि कि छह में से दो को घटा देंगे कितने हो जाएगा कितने हो जाएगा घात में चार हो जाएगा, पहला नंबर ए नंबर हो जाएगा, क्लियर है ये, क्लियर है आगे बढ़े। देखो आठ नंबर में कहता है बहुपद वाई स्क्वायर, अब देखो इसपे जो चर है वाई दे दिया, पहले हम चर क्या पढ़ रहे थे एक्स पढ़ रहे थे, वाई दे दिया कोई बात नहीं, क्या कहता है बहुपद इतना का घात है कत्ते घात है मैक्सिमम घात देखो ना कत्ते है दो, मारो देखो कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुपद इतना के शून्य का योग निकाले, बहुपद इतना का शून्य शून्य का योग बराबर कितना होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है माइनस बी एक, माइनस बी का मान कितना है माइनस, यहाँ माइनस चौदह बटे ए, ए का मान कितना है पांच, तो माइनस माइनस प्लस चौदह बटे पांच कितना नंबर में है रे नंबर पे, मारो आगे बढ़ो। बहुपद इतना के शून्य है, देखो ये ऐसा बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस ए ग्यारह बराबर शून्य कह रहा है निकालने के लिए, तो इसको जीरो कर देंगे, ये एक ऐसा बहुपद है जिसमें कि बी वाला टर्म्स नहीं है, बी वाला टर्म्स जीरो हो जाएगा, बी वाला टर्म्स जैसे बहुपद का द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता था ए एक्स एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता था ना, इसमें क्या हो जा रहा है इस वाले टर्म्स देखो एक्स वाला टर्म्स नहीं है ना, यानी कि ये वाला टर्म्स जीरो हो गया है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो, ये समझो कि इसको जीरो शून्य के बराबर कर रहे हैं तो जीरो, इसमें क्या हो रहा है ये वाला टर्म्स हट गया, शून्य के लिए इसको क्या करेंगे जीरो के बराबर कर देंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको ये क्या कर देंगे एलएचएस में जाएगा ग्यारह, इसीलिए एक्स बराबर रूट के अंदर ग्यारह, रूट के अंदर ग्यारह, रूट के अंदर में जाता है तो ये प्लस ये वो प्लस में हो जाता है, ये वो क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है, यानी कि प्लस रूट के अंदर ग्यारह ये हो जाएगा माइनस रूट के अंदर ग्यारह, यहाँ पे कौन सा टर्म्स हो जाएगा बी नंबर ए नंबर, ये देखो ए नंबर तो होगा नहीं सी नंबर होगा नहीं, और डी नंबर में यहाँ देखो कंफ्यूज करने के लिए इस पे रूट दिया इस पे रूट नहीं दिया, तो दोनों पे रूट जो दिया है वही होगा, क्लियर है ये कहता है द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग होगा, शून्यकों का योग बार बार ऊपर में भी देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे एक माइनस बी, तो यहाँ कितना माइनस तीन बटे
एक एक्स स्क्वायर का भाग कितना, बगल में क्या है एक, तो कितना आ जाएगा माइनस बी, कितना जाएगा माइनस बी, कौन सा बी नंबर, कितना हो जाएगा क्लियर है। ग्यारह तक हो गया बारह नंबर। बारह नंबर में देखो तो यहां कह रहा है y, कह क्या रहा है ये बराबर होगा, इसके बराबर क्या होगा, यही पूछ रहा है ना, इसके बराबर क्या होगा। तो तुम एक काम करो, देखो सिंपल सा दिया हुआ वाई स्क्वायर एक बटे वाई प्लस तीन, यही दिया हुआ है ना, एक बार गुना करेंगे तो यहाँ वाई स्क्वायर बटे वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर, यही होगा ना, वाई से एक इसके पावर में एक है, ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, वाई गुना वाई है तो पावर हट गया, यहाँ क्या बच गया जाएगा थ्री वाई स्क्वायर प्लस यहाँ वाई बच गया, क्या बच गया वाई, या इसी को उल्टा लिख सकते हो वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर। तो देखो वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर, वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर, डी नंबर है, क्लियर है ये। अब देखो क्या दिया, निम्नलिखित बहुपद किस इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित बहुपद, अच्छा ये क्वेश्चन हम ऊपर देख रहे हैं सेम टाइप का क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपद के शून्य के लिए है, ठीक है शून्य, देखो यहाँ ध्यान देना एक एक चीज, क्या देना ध्यान, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित बहुपद के शून्यक दिया हुआ है, शून्यक का मतलब ये अल्फा दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है बीटा दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीका से एक आगे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित बहुपद, निम्नलिखित में किस बहुपद का शून्यक का योग, शून्यक का योग, योग इतना दिया और गुणनफल इतना दिया हुआ, तो यानी कि योग कहने का मतलब क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा किस बहुपद का है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है, अगर देखो तो माइनस बी बाय, तो बी के जगह चार है तो माइनस चार बटे ए, ए के जगह एक है तो माइनस चार, इसका बीटा का तो मान है एक, यही है ना चार, और दूसरा क्या कहता है गुणनफल माइनस पांच हो, तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे, सी बटे ए होता है, तो सी, सी का मान कितना है पांच, अब पांच बटे एक, ए का मान एक है, तो अब देखो ये वाला मान होगा नहीं होगा, क्योंकि ए तो सेटिस्फाई कर गया, लेकिन बी वाला अल्फा और बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान पांच आया, जबकि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है माइनस पांच, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन, कितना नंबर, अच्छा ये वाला देखो तो ये वाला तो माइनस है तो खत्म हो जाएगा, प्लस होना चाहिए, अब यहाँ प्लस था इसलिए तुम समझ लो कि ये क्या होना चाहिए प्लस में होना चाहिए, तो माइनस में दे रहा है ये होगा नहीं, ये भी माइनस में दे रहा है ये भी होगा नहीं, ऑप्शन कौन सा तुम्हारे पास बच गया, तीन नंबर बच गया, तुम करके भी देख लेना अल्फा प्लस, करके भी देख लेना अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए माइनस माइनस चार बटे एक, तो यानी तो क्या माइनस चार, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, सी का मान कितना है माइनस पांच, ए का मान कितना है ए, यानी कि हो गया माइनस पांच, देखो दोनों का मान आ गया यहाँ माइनस पांच और माइनस चार आ गया, क्लियर है ये, यानी कि डी नंबर, शून्यक देखो शून्यक दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है शून्यक चार सात वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी, कितनी होगी शून्यक चार सात वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी दो होगा बहुपद की संख्या कितनी हो जाएगी, कितने बहुपद एक तो है तीन होगा, तीन क्या हुआ नहीं, इसमें देखो क्या बोला गया कि शून्य कितना है शून्यक चार है शून्यक और शून्यक सात है शून्यक सात वाले द्विघात बहुपदों की संख्या द्विपद कितने शून्य चार एक्स के घात चार चार शून्यक है तो कितने घात होंगे चार
चार हाथ वाले पे तो बहुत बहुपद हो सकता है ना, अनगिनत हो सकता है ना, सर्व हाथ वाले तो अनगिनत हो सकता है ना, उसकी गिनती थोड़ी ना लिमिट में है, दो तीन, समझ में आया, अनेक प्रकार से लिख सकते हैं। यदि उसके बाद देखो, यदि बहुपद इतना के शून्यकों का योग दिया हुआ है तो के का मान कहना है निकालने के लिए, ये वाला क्वेश्चन चलते हैं इस पे, बोर्ड पे इतना दिया हुआ है, ये दो नंबर में भी क्वेश्चन पूछता है। अब देखो यहाँ समझो क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है बहुपद दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस ए, इसमें शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है 6, तब कहता है k का मान निकालिए। तुमको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी तो माइनस बी के जगह के है तो माइनस के बटे ए, ए की जगह एक है तो ए की जगह एक, माइनस माइनस प्लस के, तो अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह के हो जाएगा, के बराबर कितना हो गया 6 हो गया, के बराबर कितना हो गया 6 हो गया, और तो नंबर बी मार दो, ठीक है। अब देखो 15, 16 बहुपद इतना दिया हुआ है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल, मूलों या मूल भी और शून्यक भी सेम कहता है, मूल और शून्यक सेम होता है, याद रखना, मूल कह देते हैं द्विघात समीकरण में और शून्यक कह देते हैं बहुपद में, किसमें कह देते हैं बहुपद में कह देते हैं, तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कह रहा है यानी कि अल्फा इंटू बीटा कह रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाय ए, तो सी का मान 1 है और ए का मान कितना है 4 है, तो सी बाय ए 1/4 हो गया, 1/4 यहाँ सी नंबर में दिया हूँ, ठीक है। द्विघात बहुपद क्यू ऑफ एक्स है, इतना है इसका दिया हुआ अल्फा और बीटा दिया हुआ, तब अल्फा प्लस बीटा का मान शून्य के बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी का मान माइनस 1 हो जाएगा, नहीं कुछ है तो क्या हो जाएगा माइनस 1/ए, ए का मान कितना है 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 हो गया, प्लस 1 किसमें दे दे बी का मान, देखो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, द्विघात दो घात है तो कितना शून्यक होंगे, दो घात है तो कितने शून्यक, जितने घात उतने शून्य, खत्म, इसको आगे बढ़ाओ। बीस नंबर में दे दिया, चलो 20 नंबर में क्या कहता है, बहुपद इतना दिया हुआ है इसके शून्यक ए और बी दिया हुआ है, जैसे शून्यक में क्या होता था अल्फा और बीटा रहता था, यहाँ पे मेरा मतलब इस क्वेश्चन का मान है ए और बी मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, तो ए इंटू बी निकालिए, ए इंटू बी का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा, तो हम क्या जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर ए इंटू बी बराबर सी बटे सी का मान 5, सी का मान 5, ए का मान 1, ए का मान 1, तो 5 हो गया, कितना हो गया 5, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है ये। उसके बाद देखो यदि बहुपद इतना दिया हुआ है इसके में मूलों का योग निकालिए, मूलों का योग, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी के जगह माइनस 4 है, तो माइनस 4 बटे ए, ए के जगह एक है, माइनस माइनस प्लस 4, 4 किसमें दिया हुआ है बी नंबर, क्लियर है ये। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हम बताए हुए हैं, बताए ना रे, त्रिघात बहुपद का हम बहुत व्यापक रूप जो बताया है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देखो ऐसा किसमें है, ये वाला है सीधा, क्लियर है ये, जो बताया उसी से पूरा क्लियर रहेगा। देखो ये 22 नंबर का क्वेश्चन, इसमें चलो ये वाला भी हम लेके चलते हैं,
यहीं पे दे देना। देखो ये बहुपद है, बहुपद दिया हुआ है f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो मान कहता है 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान निकालिए। अरे तुम एक काम करो, दोनों एलसीएम ले सकते हैं, दोनों का एलसीएम ले लो, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इधर गया अल्फा इधर आएगा, इसको सीधा करके लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। मान निकाल के एक बार भाग दो तो इसमें निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए माइनस बी का मान माइनस पाँच बटे ए, ए का मान ए, माइनस माइनस प्लस पाँच, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जा रहा है सी बटे ए, सी का मान कितना सात, ए का मान कितना ए, तो सात रखो, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना पाँच, यहाँ पाँच, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना सात, यहाँ सात, पाँच बटे सात आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? यस सर। 22 नंबर, इस बहुपद के शून्यक होंगे, इस बहुपद के शून्यक, शून्यक होंगे मतलब तुमको पूछ दिया अल्फा और बीटा का मान पूछ दिया, क्या पूछ दिया है तो देखो अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे पहले ये बताओ कैसे करेंगे। दो विधि होता है इसका, हम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। अरे गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं इसका, इसका देखो तो हम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। कितना दिया हुआ है 6x² - 7x - 3। गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे समझो, हम जो पहला टर्म्स दिया हुआ है, दूसरा तीसरा टर्म्स दिया, इन दोनों को गुना करते हैं, 6 गुना पहले माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3 के 18। अब 18x² आ गया, बीच वाले को ऐसे दो भाग में बांटेंगे, बीच वाले को ऐसे दो भाग में बांटते हैं ताकि गुना करने पे तो इतना आ जाए लेकिन जोड़ने घटाने पे इतना आ जाए माइनस 7x आ जाए, ठीक है। एक चीज देखो तो 9 × 2 = 18, 9 × 2 = कितना हो जाता है, अच्छा 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, यहाँ है जोड़ने करेंगे, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, लेकिन 7 यहाँ किस में है, माइनस में कि प्लस में है, तो दोनों में जोड़ घटाओ करेंगे तो बड़का को माइनस में लेंगे और छक्का को किस में लेंगे प्लस में, और एक्स स्क्वायर है तो ये वो एक्स हो जाएगा, इसमें भी एक्स ले लेंगे ताकि गुणा करने पे तब ना 9 × 2 = + - - 9 × 2 = 18, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा करो तो इसको 6x² - 9x + 2x - 7 साते को ना ऐसे लिखे है -3। अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, अगर 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ 3 × 2 = 6, यहाँ x माइनस 3 × 3 = 9 प्लस यहाँ देखो दोनों में एक कॉमन है, क्या कॉमन है एक, इधर आ जाएगा 2x - 3, तो ये देखो दोनों एक जैसा है कॉमन हो गया 2x - 3 × 3x + 1। शून्य के लिए क्या करेंगे, शून्य के लिए इसको क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे, 2x - 3 × 3x + 1 = 0, तो 2x एक बारी बारी से गुना करते हैं इसको बराबर, एक बार 0 के बराबर करते हैं 0
कि 3 इधर चल जाएगा 2x बराबर 3, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। एगो तो 3/2 निकला, इसमें भी है, इसमें माइनस का। अब तुम सोच लो, या तो ये होगा या तो ये होगा, दूसरा कर लो 3x + 1 = 0। इसको इधर लेके जाएंगे तो 3x प्लस में इधर जाएगा तो -1, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। तो -1/3 a में ही है, इसमें +1/3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा a नंबर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा a नंबर। क्लियर है? अरे हाँ, इसमें अब देखो 24 नंबर था ना, 24 नंबर में द्विघात बहुपद के ठीक उसी प्रकार से जैसे एक और बताए हुए थे, ये ऊपर में बनाए हुए थे अल्फा और बीटा। देखो तो 24 नंबर में क्या दिया हुआ है, ये देखो 1/α 1/β दिया हुआ है, x² + 2x + 3 निकल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेना, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेना, भागा दे देना, निकल जाएगा ये करवा दे -2/3b। इसको क्या करेंगे, देखो ना यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो यानी कि -2/1, तो यानी कि -2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a, तो c का मान कितना है 3, a का मान 1, यानी कि 3 हो गया। तो तुमको सीधा सीधा दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा 1/α + 1/β, इसका एलसीएम ले लेंगे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ हो गया बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है -2, अल्फा इंटू बीटा का मान 3, -2/3 कहाँ है बी नंबर में, यहाँ है रे, यहाँ है, मारो यही हो गया आंसर। द्विघात बहुपद इतना के शून्य होंगे, तुम देखो इससे पहले भी बताया हुआ है x²-3, शून्य के लिए इसको जीरो करेंगे तो x² ये 3 आ गया, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा रूट के अंदर 3 प्लस माइनस हो जाता है। क्या है ये दोनों माइनस एम है, इसलिए नहीं होगा, ये वो प्लस है वो माइनस, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? पच्चीस का हो गया। अब देखो ये देखो ये बताए हुए है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, बहुपद तो सीधे दिख रहा है x को रूट के अंदर दे दिया है, सीधे चल गया एक बार नजर में c, इसमें सोचना पड़ेगा रे। अब देखो इसमें कौन रेखिक बहुपद व्यंजक है, रेखिक बहुपद एक तो पहले सबको x है, इधर सुनो x नीचे में दे दिया थी बहुपद a ने, x नीचे में दे दिया थी बहुपद नहीं है, रेखिक में बोले घात कितना होना चाहिए, इसमें घात कितना है 3 नहीं होगा, इसमें घात कितना है 2, अब 3 को नहीं होगा तो होवे नहीं करेगा, क्लियर है कि नहीं है, यानी कि घात 1 है। देखो दोस्तों यदि बहुपद अल्फा बीटा बहुपद इतना दिया हुआ है, इसके मूल देखो फिर वही चीज पूछ रहा है, एक चीज इसको बार बार, तो अल्फा प्लस बीटा सीधा निकालो, अल्फा प्लस बीटा -b/a तो -1 आ गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना c/a तो c का मान कितना है 1, तो 1 आई कितना हो जाएगा, दोनों को तो सॉल्व किए थे क्या निकल के आया था अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान -1, अल्फा इंटू बीटा का मान 1, यानी कि -1, -1 किसमें दे रहा है बी नंबर। क्लियर है? आगे बढ़े, उन्तीस में होगा ना रे। अब क्या कहता है, देखो द्विघात बहुपद के गुणनफल, देखो योगफल दिया हुआ है गुणनफल दिया हुआ है, और द्विघात बहुपद बनाने के लिए कहता है अरे इसको ऐसे सीधा क्लियर कट बनाओ, शून्यकों का योग दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 2, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा बराबर -15, सीधा दिमाग में रखो ये बराबर है, क्या रखेंगे x² - α + β - α + β (x - 2x)
अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ माइनस 15, तो इसको गुना करके कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस। देखो किसमें है आंसर में, देखो ए नंबर है, कितना नंबर डी नंबर। क्लियर है ये? यस सर। हां यस, कहीं कंफ्यूजन भी है? नो सर। देखो 30 नंबर में, अब इसके बाद निम्नलिखित बहुपद में बहुपद नहीं है, तुम लोग बताओ कौन सा बहुपद नहीं है। सीधा बटे में दिख गया, सीधा बटे में दिख गया, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, यानी कि आंसर यही हो गया ना। यस सर। हो गया। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। क्लियर है? देखो उसके बाद निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ये बता दे। कितना नंबर? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो ये बट्टे में आ गया, ये बहुपद नहीं है, यानी आंसर यही हो जाएगा। ये दिया हुआ बहुपद के शून्यक है, कौन सा शून्यक है, गुणनखंड विधि से निकालेगा रे? यस सर। आठवीं में सीखा होगा, आठवीं में, जिसको नहीं आता होगा पर्सनली रोक के गुणनखंड सीख लेना, ठीक है, जिसको भी नहीं आता होगा सीख लेना। इसका देखो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको और इसको गुना करते हैं क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। इसको ऐसे दो भाग में बांटेंगे जोड़ने पे, इतना 3 × 2 6 ऐसे भी आ रहा, 3 × 2 5 आ रहा, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा, और 3 × 2 ये होगा, 3 × 2 ये होगा, कैलकुलेट करेगा। समझ में आया कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 प्लस 6, इसको करो x और x कॉमन आ गया तो x माइनस 3, इसमें माइनस 2 कॉमन आ गया तो x माइनस 3, एक वो आ गया x माइनस 3 और दूसरा आ गया x माइनस 2, शून्य निकाल रहे हैं इसको, 0 के बराबर। देखो एक नंबर में सोच रहे थे लिखना में शून्य 0 के लिए, तब इसको 0 के बराबर करेंगे तब निकालेंगे, एक नंबर में तो उसको आंसर से मतलब है, किसी चीज से मतलब नहीं, उसको क्या किस चीज से मतलब है, आंसर आंसर सही सही दे दो बस खत्म, 50 में 50 तुम चोरी करके ला रहे हो, किससे ला रहे हो कोई मतलब नहीं, तुम अटक्कर 150 मार रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, उसको आंसर आना चाहिए, एक आंसर आना चाहिए। हम एक का नाम नहीं लेना चाहेंगे, एक लड़का था यार पुलिस का एग्जाम दे रहा था, BC एगो कुम लगा दिया, इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया, लगा दिया करके आ गया, उसका सिलेक्शन हो गया, मान लो एग्जाम रिजल्ट ही हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी नहीं होता है, देखो ये अटैक कर पाते 150 तभी लगता है, कभी कदम लग जाता है, सबको नहीं लगता है, समझ में आया, इसलिए सबको नहीं लगता, इसलिए पढ़ना है, समझ में आया। तो 50 में 50 नंबर लाना, 50 में कितना नंबर लाया, आपको नंबर कम लेके आया तंगली तोड़ दिए, समझ रहा है, इसमें 50 में 50 लेके आना, इतना मेहनत कर रहे हैं, 50 में 50 में लाएगा तो दिक्कतें है ना। क्लियर है जी, आगे बढ़े। उसके बाद 34 नंबर, कितना टाइम हुआ, कितना हुआ, अभी पढ़ो 50 तक खींच देते थ्योरी बताने में थोड़ा सा टाइम लगाता, उसके बाद टाइम नहीं लगता, उसके बाद फटाफट बन जाता है। देखो यहाँ पे क्या है, 15 क्वेश्चन समाप्त करने में कितना मिनट, 10 मिनट, यस सर 10 मिनट और रुकिए चलता है, कहाँ आ गए, कंफ्यूज हो गए। कहाँ पे थे, 32 पे थे, कहाँ पे है, गया हाँ गया था, देख रहे हो,
चूटा कितना भारी है देख लो, पांच वोल्ट तो चल रही है नहीं दिया, पांच दिया ए, ये 32 नंबर हो गया। इधर देखो सीट बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x इतना का शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे बताओ तो। इधर देखो शून्य, एक शून्य होगा, एक शून्य, एक शून्य कौन सा होगा देखो तो, दुदुनी चार, तीन दुनी छह, चार दस रखेंगे ये नहीं कटेगा, चार रखो, चार चौके चार किया अब बारह चार सोलह, जितना प्लस मतलब माइनस में हुआ नहीं हुआ, ये फुल में हुआ। ये देखो ना ये चार चौके सोलह, ये प्लस में सोलह, ये चार किया बारह माइनस में बारह, माइनस चार, माइनस चार माइनस बारह कितना हो गया सोलह, सोलह हो गया दो नंबर का, क्लियर है। सोच रहा क्लियर है रे, देखो बहुपद इतना के गुणनखंड ये है, तो बहुपद में ये शून्य होंगे तो तुमको पता है x प्लस दो बहुपद के शून्य है तो इसको जीरो के बराबर करेंगे, x बराबर कितना हो गया माइनस दो, ये नंबर हो जाएगा क्लियर है। 35 इसके बाद 36 इसके शून्य दिया हुआ है, एक शून्य इतना है तो निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा, शून्य कितना है देखते हैं, शून्य कितना है एक शून्य चार है, एक शून्य क्या है चार है, तो निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा, किससे अवश्य विभाज्य होगा देखो एक शून्य कितना दिया हुआ है, तो शून्य के रूप में लिखेंगे क्या लिखेंगे, प्लस में चार दिया हुआ है तो इसको हम लिखेंगे एक्स माइनस चार लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक्स माइनस इसी से विभाज्य होगा बहुपद पी ऑफ एक्स, इससे क्या होगा अवश्य जो शून्य होते हैं उतना से वो जरूर विभाजित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बहुपद जो रहता है वो जरूर, दो नंबर वाला जब सवाल बताएंगे और पांच नंबर वाला क्वेश्चन बताएंगे उसमें तुमको दिखा देंगे ठीक है, ये अवश्य विभाजित हो जाएगा, तो पी ऑफ एक्स जो बहुपद है वो क्या हो जाएगा इससे विभाज्य होगा, वो क्या हो जाएगा इससे विभाज्य होगा। अब देखो ये वाला क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इतना मान कह रहा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस टू, अल्फा इंटू बीटा बराबर एक यानी कि माइनस दो, क्लियर है रे। बताने के बाद भी 50 में 50 नहीं आएगा तो नहीं है। देखो इतना के शून्य कौन से हैं? ये आ गया। क्या बात है? ये क्वेश्चन आया के शून्य निकालो, कहना आसान है क्या बन जाएगा रे, बनेगा बनेगा अब तुम्ही लोग ने बताएगा हमको की बन जाएगा जिससे जाने वाला अरे सुन बोलते रहे बनेगा ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस बारह इनको गुना करेंगे तो माइनस बारह एक्स स्क्वायर, अब 12 को ऐसे दो भाग में बांटना है कि इतना आ जाए रूट टू माइनस रूट टू आए और गुना करने पे कितना आए बारह, एक चीज सोचो रूट टू है, क्या है रूट टू है यहाँ पे, अगर इसमें कितना से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा और रूट टू आ जाए इसका, इससे कुछ आइडिया आ रहा है, तीन दुना छह, छह दुनी तीन में से दो गया तो तीन में से दो गया कितने होता है तू अलजेब्रा पढ़ा है तू लोग नाइन्थ में लग रहा है तुम लोग अपरिमेय संख्या वाला में मेहनत नहीं किया इसलिए ये दिक्कत होता है, घटाओ में जोड़ घटाओ नाइन्थ में पढ़ा होगा, देखो परिमेय संख्या वाला में इधर देखो अलजेब्रा में क्या होता था चार एक्स माइनस
दो एक्स कर देते, एक्स एक्स बराबर रहता था तब सीधा कर देते थे, चार में से दो घटा दिए तो दो और एक्स गुना में लिख दिए। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसको करें, प्लस में तीन है माइनस में ये है, अगर सॉरी इसको मान लेते हैं माइनस में इसको प्लस में है, तीन में से इसमें देखो रूट टू, इसमें रूट टू, रूट टू रूट टू है, यहाँ तीन में से दो घट गया तो कितना हो जाएगा माइनस एक, और रूट टू है यहाँ रूट टू, देखो तो सेम आ गया यहाँ पे सेम आया रे। यहाँ क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस टू रूट टू एक्स माइनस बारह, यहाँ कॉमन ले लिए एक्स और एक्स कॉमन आ गया तो एक्स माइनस थ्री रूट टू प्लस, यहाँ क्या आ गया यहाँ दो कॉमन आ जाएगा, यहाँ रूट टू दोनों ही ले लेते हैं कॉमन, क्यों बारह को तुम क्या लिख सकते हो, अच्छा तुम देखो बारह को तुम क्या लिख सकते हो, देखो तो थ्री रूट टू, थ्री रूट टू यहाँ पे बारह को तुम लिख सकते हो दो गुना, देखो तो चार गुना तीन लिख सकते हो, चार को तुम क्या लिख सकते हो दो गुना तीन, और इस दो को क्या लिख सकते हो तुम देखो दो रूट दो गुना रूट दो गुना तीन, ऐसे भी लिख सकते हो ना, समझो तो यहाँ दो रूट दो एक्स माइनस यहाँ करेंगे दो गुना रूट दो गुना रूट दो गुना तीन, तीन सब गुना करेगा तो बारह ये होगा, कितना होगा बारह होगा, तुम करके देख लो एक्स माइनस थ्री रूट दो प्लस, यहाँ से देखो ये कॉमन ले लो दो है यहाँ दो है दो कॉमन ले लिए रूट दो तो रूट दो कॉमन आ गया, एक्स रहने दो तो यहाँ हो गया एक्स माइनस दो को तो कॉमन चल गया, यहाँ बच क्या गया थ्री रूट दो, थ्री रूट दो यहाँ भी देखो तो एक्स माइनस थ्री रूट दो एक्स माइनस थ्री रूट दो तो कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ कंफ्यूज में कंफ्यूजन में आ गए हो क्या इसमें, पढ़ लेना बाद में पूछ लेना फिर क्या है, देखो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स माइनस थ्री रूट दो यहाँ इंटू एक्स प्लस टू रूट टू, अब शून्य करके इसको जीरो कर देंगे तो एक्स माइनस थ्री रूट दो बराबर जीरो, इसको इधर लेके जाएंगे एक्स बराबर थ्री रूट दो, इसमें इसको लेके जाएंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस टू रूट टू, देखो तो यही हो गए इसके शून्य दिया हुआ है ऑप्शन में, सॉरी यहाँ प्लस में है ना रे, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, हाँ ठीक तो है कोई है, यहाँ क्या दिया है माइनस टू, ये उल्टा दे दिया यहाँ भी उल्टा दे दिया ये उल्टा, इनमें से कोई नहीं मार करेगा, समझ में आया अरे 39 में देखो इतना के शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालो तो अल्फा इंटू बाई बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बाय ए, ए का मान माइनस चार, ए का मान दू दूनी चार माइनस दू, क्या हो जाएगा आगे मारो भागो, गुणनफल अपना है गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया आठ, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाय ए आठ, सी का मान कहते हैं ए, ए का मान कहते हैं एक, एक बराबर आठ, एक गुना को निगुना कर दिए ए बराबर कते निकल गया रे कहाँ है तब इसके शून्यक निकाले ए बराबर निकल गया देखो कते अच्छा शून्यक तुम्हें एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ए का मान निकाल लिया आठ, अब बोल रहा है इसका शून्यक निकाले अल्फा इंटू बीटा निकाले सॉरी अल्फा और बीटा निकालना, तो अल्फा और बीटा निकालने के लिए क्या करेगा आठ गुना एक कते होता है रे आठ गुना एक आठ एक आठ एक नौ हो गया, तुम इसी को कर लो गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स माइनस एक्स प्लस आठ, इसका गुणनखंड यही हो जाएगा, देखो हम यहाँ गुणनखंड करना नहीं सिखा रहे बिल्कुल नहीं सिखा रहे, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि तुम लोग एटे नाइन्थ में गुणनखंड करना सीख गया, फिर भी अगर किसी को नहीं आता है तो बाद में आके पूछ लेना, ठीक है इसको कर रहे हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन एक्स आ जाएगा, एक्स कॉमन आ गया एक्स माइनस आठ, यहाँ माइनस कॉमन एक माइनस एक कॉमन आ गया एक्स माइनस आठ, तो एक्स माइनस आठ इंटू एक्स माइनस एक शून्य के लिए जीरो करेंगे तो एक्स बराबर आठ एक्स बराबर एक, दो को शून्य निकल गया एक और आठ कहाँ है तीन नंबर में है, होगा ये क्लियर है सूत्र आ रहा है सुशांत, सुशांत
देखो ये क्या कहता है, त्रिघात बहुपद है, क्या है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, तो माइनस थ्री बटे ए, बी का मान कहते हैं माइनस सात बटे ए का मान कहते हैं, तो माइनस सात बटे चार का क्लियर है। बयालीस ये बनेगा, चलो बयालीस नंबर देखो क्वेश्चन बढ़िया, हम सोचे 10 मिनट में खत्म कर देंगे, 42 तक बता देते हैं, उसके बाद 43 से बताना अपना, ठीक है? ठीक है सर, 43 वाली बता दीजिए, तब 50 तक देखिए देंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, तुम ही लोग डेढ़ घंटा का कल बनाए तो उसमें तो पछाड़ रहा नहीं देख पा रहे, क्या हुआ एल्गोरिथम वाला है, ठीक है वो वाला कौन सा काल नहीं बता रहे, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा है, देखो ये दिया हुआ है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना, क्या होगा अल्फा अल्फा सीज में गुना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, बीटा सीज में गुना होगा बीटा स्क्वायर, आप बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, एक मिनट एक मिनट बताओ, तुम्हें बताओ, हाँ तुम्हें बताओ, बार पीटेंगे बड़े, तो तुम बोलो ना, आ गया सर, एक मिनट तुम बोलो, सुशांत सुशांत कुमार, चलो तुम बोलो, चलो फटाफट बोलते जाओ, साफ है सबको, तुम लोग में से लड़की में से गलत है, तुम लोग बोलो आप बोलो, तुम ही बोलो, तुम ही बोलो, तुम बोलो, चल जाएगा, समझ में आया, बार बार समझा रहे हैं ऐसे करो मत, और बिहेव सबसे पहले सही करो, इतना आसान क्वेश्चन मतलब एक क्लास वाला लड़का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बताएगा, तुम बता रहे हैं किसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, आइए बोल रहा है इसमें फॉर्मूला ऐसी में फंसा, त्रिकोणमिति बताया है तो बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बताया हुआ है, हाँ फिर यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, पढ़ता घर पे नहीं पढ़ता, वही काम करना पड़ेगा, दुकान चाचा दुकान चाचा को थोड़ा भगाना पड़ेगा, ऐसे काम चलेगा नहीं है, देखो आपका दो को फॉर्मूला होता है, अगर क्या को फॉर्मूला होता है, दो को फॉर्मूला होता है, एक प्लस के टर्म्स में एक माइनस के टर्म्स में, प्लस के टर्म्स में होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, अगर दूसरा फॉर्मूला होता है अगर यहाँ माइनस लेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस लेंगे प्लस टू ए बी होता है, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ हम यूज करेंगे प्लस वाला, किस कौन सा वाला, प्लस वाला, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, निकल गया रे, ए यहाँ देखो बात मत करो, ये तो ये वो कह देगा दसवां में पढ़ रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला नहीं आ रहा है, हां नहीं लग रहा है, और इसमें भी गर्व से बोल रहा है, ए सर अल्फा प्लस बीटा, एक चीज बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे ए, तो माइनस माइनस थ्री बटे ए, तो ए माइनस माइनस प्लस थ्री, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी बटे ए, पांच बटे ए, तो पांच हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस तीन दे दिया, कितना दिया हुआ है, तीन का स्क्वायर
माइनस दो गुना अल्फा इंटू बीटा, ये बात नहीं करेगा, अल्फा इंटू बीटा पांच, अल्फा इंटू बीटा पांच, तीन किया नौ, माइनस पांच दूनी बटे पांच, दस में से नौ गया, माइनस एक बटे पांच, माइनस एक बटे पांच क्या नंबर है? सी नंबर में, कौन सा है? सी नंबर में हो जाएगा, ले फॉर्मूला याद रखना, क्लियर है? इसको देखो 45 42 तक बता दिया, टोटल 91 क्वेश्चन है, टोटल कितना क्वेश्चन है 91, 50 क्वेश्चन अब बच जाता है, 50 क्वेश्चन कल देख लेंगे, आज थ्योरी देख रहे थे ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया थ्योरी में, नहीं तो 50 90 क्वेश्चन खत्म करने में कितना 40 से 45 मिनट बहुत हो गए, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? यस सर।